आईफोन लवर्स के लिए आने वाला आईफोन 16 सीरीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई नो मैं काफी टाइम गैप करके वीडियोस डाल रही हूँ, बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर नाउ। फिलहाल आज मैं लेकर आ गई हूँ, सितंबर मंथ में आने वाले हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे फोन्स, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला हमारा फोन आने वाला है IQ Neo 9S Pro। जी हाँ, IQ की तरफ से ये फोन हमारा सितंबर में आने वाला है, जिसमें मैं मिल सकता है 6.78 इंचेस का डिस्प्ले और गाइस 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले के साथ में। MediaTek Dimensity 9300 प्लस मिल सकती है हमें इसमें, और डुअल कैमरा का सेटअप जो कि 50+50 का होने वाला है। साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। और अगर बैटरी की बात करूं मैं तो 5000mAh की बैटरी मिल सकती है हमें, और साथ ही साथ हमें मिले 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग। गाइज, ये फोन जो है ना हमारा, मान के चलिए यार 32-35 के अप्रोक्स आने वाला है। अगले फोन की बात करें तो मोटो लाने वाला है मोटो H50 नियो। जी हाँ, मोटो क्या कर रहा है कि यार आप देख रहे हो कि कोई ऐसा महीना नहीं जाता जिसमें मोटो अपने फोन लॉन्च ना कर रहा हो, तो जी हाँ ये फोन भी हमारा मोटो की तरफ से आने वाला है, जिसमें हमें मिल सकता है 6.6 इंचेस 165 हर्ट्ज का डिस्प्ले। क्या बात है यार, डायमेंसिटी 6300 मिल सकती है। और कैमरे की बात करूं तो ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है हमें इसमें 50+13+10 का, और साथ ही साथ हमें इसमें मिलेगा 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। बैटरी की बात करूं तो हमें मिल जाएगी 4300mAh की बैटरी, और हमें मिलती है 66 वॉट की चार्जिंग भी। और गाइस, अगर मैं इसके प्राइस की बात कर लूं तो मान के चलो अप्रोक्स 30,000 के आसपास ये आने वाला है। तीसरा हमारा फोन होने वाला है पोको F6 Pro, जिसमें हमें मिलने वाली है 6.7 इंचेस की QHD 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। प्रोसेसर हमें मिल सकता है Snapdragon 8 Gen 2, और गाइस इसमें भी हमें मिल जाएगा ट्रिपल कैमरा सेटअप जो कि हमारा होने वाला है 50+8+2 का, और साथ ही साथ 16 मेगापिक्सल का हमें इसमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है। ये फोन हमारा 40K के अबव ही आने वाला है, 40-45K के अप्रोक्स ही मिल जाएगा। गाइस, इसके बाद सैमसंग फोन लाने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। इसमें हमें 6.1 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिल सकता है, साथ ही साथ अगर प्रोसेसर की बात करूं तो Snapdragon 8 Gen 3 मिल सकता है। 50 मेगापिक्सल का हमारा प्राइमरी कैमरा हो सकता है एंड 32 मेगापिक्सल का फ्रंट रहने वाला है। और अगर मैं बैटरी की बात करूं तो 4500mAh की हमें बैटरी मिल सकती है। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होने वाला है, आप मान के चलिए 60 अप्रोक्स प्लस में ही रहेगा ये। गाइस, अगला हमारा फोन IQOO की तरफ से होने वाला है IQOO Z9 Turbo, जिसमें हमें मिल सकता है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले। कैमरे की बात करूं तो डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा 50+8 का, और साथ ही साथ हमारा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलने वाला है। प्रोसेसर पे अगर हम आ जाएं तो Snapdragon 8S Gen 3 मिलेगा, और अगर बैटरी की बात करूं तो 6000mAh की हमें बैटरी मिल जाती है, और साथ ही साथ 80 वॉट की चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगा। गाइज, ये फोन हमारा जो है वो मान के चलिए 25K के अप्रोक्स आने वाला है। गाइज, इसके बाद अगला हमारा फोन होने वाला है Redmi की तरफ से Redmi Note 14 आने वाला है, जिसमें हमें मिल सकता है प्रोसेसर 7S Gen 3, और साथ ही साथ अगर मैं कैमरे की बात करूं तो हमें 50 मेगापिक्सल का बैक मिल सकता है एंड 5000mAh की बैटरी होने वाली है, और ये फोन हमारा अप्रोक्स मान लीजिए 20,000 के आसपास ही आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट फोन हमारा वीवो की तरफ से आ रहा है, वीवो Y300, एंड इसका जो डिस्प्ले होने वाला वो 6.8 इंचेस अप्रोक्स का होने वाला है 120 हर्ट्ज, और हमें मिल जाता है Snapdragon 6 Gen 1। कैमरे की बात करूं तो डुअल कैमरा का सेटअप मिलने वाला है 50+2 मेगापिक्सल का, और 32 मेगापिक्सल का हमारा फ्रंट कैमरा हो जाएगा। बैटरी पे आए तो 5500mAh की बैटरी के साथ हमें 67 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है। गाइस, ये फोन भी हमारा 24-25K के अप्रोक्स आने वाला है। अगला फोन हमारा सैमसंग की तरफ से दूसरा आने वाला है सैमसंग M55S, और इसमें हमें मिल जाने वाला है 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं तो Snapdragon 7 आ जाएगा इसमें। इसके बाद अगर मैं कैमरे की बात करूं तो हमें मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+6+2 का, और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो वो भी हमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बैटरी की बात कर ले तो हमें मिल जाती है 5500mAh की बैटरी, और साथ ही साथ 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। ये फोन भी हमारा अप्रोक्स 23-24,000 के आसपास ही आने वाला है।
गाइज इसके बाद नेक्स्ट हमारे आने वाला है सैमसंग का A06 जिसमें हमें मिल सकती है 6.7 इंचेस की डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज का रेजोल्यूशन के साथ में। और इसमें अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो हमें मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो Z99। अब इसके बाद मैं कैमरे पे आ जाऊँ तो हमें इसमें डुअल कैमरा का सेटअप मिल जाएगा जो कि होने वाला है 50+2 का। और अगर साथ ही साथ फ्रंट की बात करूँ तो 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी हमें 5000 mAh की मिलने वाली है एंड 25W की चार्जिंग को ये सपोर्ट करेगी। गाइज ये जो फोन होने वाला है ये हमारा 10,000 के अंदर ही आने वाला है। इसके बाद हमारा आखिरी फोन होने वाला है जो कि आईफोन लवर्स के लिए आने वाला है iPhone 16 सीरीज। गाइज एक दो फोन और है इन्फिनिक्स हॉट 50 जिसका मैं डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगी, नेक्स्ट वीडियो ही कोशिश करूंगी ले आऊं, और गूगल पिक्सल 9 प्रो वगैरह तो ये भी आने वाला है। तो गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि आपको फोन लेना है तो सितंबर में काफी सारे फोन्स आ रहे हैं तो वेट कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से फोन्स आने वाले हैं। अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो आप ये खरीद सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।